पूर्व में लगाए गए 3 कृषि कानूनों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह वापस लेने का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद राजनीतिक संगठन अपनी प्रतिक्रिया दे रहा है। तो वहीं किसान संगठन के लोग हमारे साथ हैं, ये सीधे बात कर लेते हैं। पदाधिकारी आप सर, ऐलान कर दिया है कि 3 कृषि कानून जो थे वो गलत थे, वापस ले लिए जाएंगे, क्या आपका कहना है? देखिए, ये अभी प्रधानमंत्री का बयान आया है कि ये किसान जो कृषि जो 3 कृषि काले कानून कोरोना में बने थे कि हम इनको वापसी लेते हैं, हमारी भूल थी, हम गलत थे, सरकार ने माना है। परंतु हमारे जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, जो संयुक्त किसान मोर्चे संघ के अध्यक्ष हैं या जो उसको डील कर रहे हैं, उन्होंने अभी बयान जारी कराया कि जब तक ये संसद में पूरी तरीके से गिर नहीं जाता, जब ये खारिज होने का प्रस्ताव पास नहीं हो जाता, तब तक ये कोई भी आंदोलन वापस नहीं होगा। किस तरह का खुशी का इजहार कर रहे हैं आप, क्या क्या खुशी? तो इसलिए है कि भले ही सरकार को एक साल लगा अपनी बात ये समझने के लिए कि हम गलत हैं, किसान को इस बात की खुशी है, किसान एकजुट हुआ, किसान की बात मानी गई, और ये बहुत ही बड़ी बात है। जबकि हमारे 750 किसानों इसमें शहीद हो चुके हैं, तो कहीं इस बात का दुख भी हमें कि वो हमारे बीच नहीं है, परंतु उनकी आत्माएँ हैं, उन लोगों की आत्मा देख करके खुश होगी कि सरकार झुकी तो किसान के आगे झुकी, वरना कहीं नहीं झुकी थी। तमाम तरह के प्रदर्शन थे आप लोगों ने किए, कोरोना काल का एक ऐसा दौर जहां बड़ी कठिनाई सामने आई, तो किस तरह की परिस्थितियां रहीं और क्या कहना चाहिए? देखिए साहब, इस देश के किसान ने तो उस कोरोना काल में भी जीडीपी को बना के रखा, और उसने अपनी जान की परवाह ना करके अपने किसानों भाइयों को, जीव जंतुओं के लिए अनाज पैदा करा, और कोरोना काल में भी वो पूरा काटा और सबको सुविधाएँ दी। तो किसान कभी किसी मरने से नहीं डरता, किसान तो इसलिए डरता है कि मेरे देश का जो मजदूर है, जो गरीब है, जो किसान है या जो बेचारा पशु पक्षी है, वो भूखा ना सोए, वो अपनी जान की परवाह नहीं करता है। तो इसलिए कोरोना आए, महामारी आए, इस महामारी से भी आपने देखा होगा किसान लगातार खेत पर आया और अपना लगातार कार्यक्रम करता रहा। किसानों का प्रदर्शन लगातार चल रहा था, नरेंद्र मोदी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने कहा कि इसे वापस ले लिया जाएगा, वापस अगर ले लिया जाता है तो क्या इसके बाद आपकी कुछ मांगे होंगी MSP को लेकर, तमाम तरह की जो बातें, क्या कहेंगे? देखिए, ये एक संयुक्त किसान जो मोर्चा जो दिल्ली में बैठा हुआ, जगह जगह बॉर्डर में बैठा हुआ, उसमें 40 लोगों की टीम है, उसका जो निर्णय होगा, उनका जो वक्तव्य होगा, उसके आधार पर हम लोग करेंगे। हम तो उनके सिपाही हैं, ना कि हम कोई मतलब मुखिया, हम सिपाही हैं टिकट साहब पे। महिला पदाधिकारी भी हैं, ये उनसे बात कर लेते हैं। लगातार आप लोगों का प्रदर्शन चला, 700 से ज़्यादा किसान मारे गए, क्या कहने, क्या क्या कहेंगे आगे की, क्या मांग है आपकी किसानों के लिए? किसानों के लिए मांग ये है कि जो किसान भाई हमारे शहीद हो गए, वो तो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज बहुत ही खुशी का माहौल है कि सरकार को इतने टाइम बाद, सालों बाद सद्बुद्धि आई है कि वो 3 कृषि काले कानून वापस लेने का आज ऐलान किया है उन्होंने। लेकिन अभी इस चीज़ पर उनके विश्वास नहीं है, क्योंकि क्या राजनीति हो रही क्या नहीं, इस चीज़ को किसान भाई तो सब सीधे किसान होते हैं, इन्हें इस चीज़ को मालूम नहीं होता। अब ये जब लिखित में प्रूफ के तौर पर जब तक ये नहीं दे देंगे, जब तक सब संतुष्ट नहीं हो जाएंगे, तब तक कोई धरना हटेगा नहीं, सब अपने जहाँ जहाँ चल रहा है वहाँ चलेगा। बाकी जैसा राष्ट्रीय प्रवक्ता जी का, हमारे राकेश टिकैत जी का ऐलान आएगा जैसा हम लोगों के लिए, वैसा हम लोग आगे करेंगे। आगामी 5 राज्यों के चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है कि स्टंट है? देखिए, हम लोग किसान हैं, हम लोग अराजनैतिक हैं, वोट कहाँ देना है ये उसका अपना मौलिक अधिकार है। हम कभी किसी को भी, हमारा संगठन ये नहीं कहता कि वोट किसको देना है उसको दो, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। अब वो क्या होगा, क्या करना, वो राजनीतिक स्टैंड है, वो जाने, अगर राजनीतिक स्टैंड दिखाएंगे तो भाई ये तो आपको देखा ही नहीं है, किसान भी हम हैं और वोटर भी हम ही हैं। तो जब हम, हमारे पास क्या है, केवल वोट की चोटी तो है, और उसी को देख करके आज जो भारत सरकार झुकी है, इसीलिए तो झुकी है कि एक साल आगे हो गया, एक साल से पहले नहीं झुकी, उसने लगा कि अब इलेक्शन सिर पे आ गए हैं, 2022 आ गई है, तो कहीं ना कहीं उसके दिमाग में बात थी कि किसान सही है और हम सरकार गलत है, तो आज सरकार पीछे झुकी है, सरकार मानी है। एक आखिरी सवाल, आप लोगों के अलावा जो राजनीतिक संगठन थे, कांग्रेस ने भी इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, क्या कहेंगे? नहीं, किसी राजनीतिक पार्टी से तो हमारा कोई किसी का मतलब नहीं है, क्योंकि किसान यूनियन तो अराजनैतिक है, तो इसलिए उनसे हमारा कोई मतलब किसी से नहीं है। बाकी जो कुछ है, हमारे सब अपने भारतीय किसान यूनियन वाले संगठन के लोग ही सब कर रहे हैं, और किसी राजनीतिक पार्टी से कोई मतलब नहीं। भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक एक संगठन है, लेकिन उसके बावजूद जो राजनीतिक संगठन है उन्होंने आपका समर्थन किया था, क्या कहेंगे इसमें? देखिए, किसान सबको वोट देता है, ये जनता है, कोई समर्थन करने आए ना आए, हमने पहले ही बोल दिया, टिकैत साहब ने पहले कह दिया था कि हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से कभी भी मंच साझा नहीं करते। तो
ये तो सब रोटियां सेकने वाली बातें होती हैं, विपक्ष की होती हैं या सरकार के जो लगाने के लाचन होते हैं कि साहब कांग्रेस वो कर रही है, फंडिंग कर रही है। अरे किसान क्या खाता है? किसान तो रोटी चावल या दाल रोटी खाता है, उसको स्वयं पैदा करता है, तो फंडिंग की क्या ज़रूरत है भाई। तो ये किस तरह से हम किसी को नहीं मानते, सरकार की अपनी देन है कि साहब इसमें फंडिंग हो रही है यार, ऐसा कर रहे हैं, कुछ नहीं है किसान के लिए, कुछ इस चीज़ का मायने नहीं रखता। आखिरी सवाल, सरकार के इस फैसले का आप स्वागत करते हैं? नहीं, सरकार का तो स्वागत क्या है अभी, स्वागत तो तभी होगा जब एक साल इसने लगा दिया, इसने तो पूरी किसानों की तो पूरी परीक्षा ली है। अब ये आकर के झुकी है, कहाँ करके झुकी है आप लोग सब जो लोग जानते हैं, 2022 में आकर के झुकी है, तो इसमें स्वागत वाली बात तो उस दिन हो जाती कि मोदी जी जाते और जा करके जैसे ही पहले दिन बैठे थे बीच में आते और कहते किसान भाइयों मैं आपके साथ हूँ, तब तो एक अलग बात थी। अब तो इन्होंने हमारे 750 किसानों के प्राणों की आहुति है, ये उनका दिया हुआ हम लोगों को तोहफा है। सरकार तो डरी है, तो किसान यूनियन के बैनर के तले तले रही है, इसका कोई शुभकामना वाली बात अभी हम इसको नहीं बोल सकते। कुल मिलाकर किसान संगठन के जो लोग हैं उनका वो जश्न मना रहे हैं इस बात का कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। हालांकि ये बात ज़रूर कही जा रही है कि जो कागजी प्रतिक्रिया है, जो कानूनी प्रतिक्रिया है, उसे पूरा होने के बाद ही ये माना जाएगा कि तीनों कृषि कानून वापस हो गए हैं। कैमरा पर्सन फरदीन अली के साथ मैं अब्दुल वाजिद, अमृत विचार, मुरादाबाद।